लोकसभा का चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है मित्रों, तीसरी बार। एटेला राजेंद्र को दिया हुआ एक एक वोट, उनके नाम के सामने कमल के निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, ये चुनाव में दो खेमे पड़े हुए, एक भारतीय जनता पार्टी और इंडी अलायंस का, और दूसरा इंडी अलायंस। भाइयों बहनों, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं और इंडी अलायंस अलग अलग दलों को मिलकर मिला है। मित्रों, ये जो चुनाव है उसमें साफ खेमे पड़े हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल है, दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जिन पर 25 पैसे का करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। भाई और बहनों, एटेला जी हमारे मजबूत पिछड़ा वर्ग के ओबीसी नेता है। मैं आज यहाँ आया हूँ तब एटेला जी की ओर से आप सभी को अपील करने आया हूँ। रेवंत रेड्डी, कान खोल कर सुनो, ये केंद्र के इशारे पर तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, ये लोग आपका उपयोग कर 6 तारीख के बाद आपको छोड़ने वाले हैं। भाई और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, पूरा देश फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं, अपील करने आया हूं, तेलंगाना से कम 12 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। बताइए भाई मलकाजगिरी वालों, मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? 400 पार कराओगे? तो दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं।